13 फरवरी से किसान केंद्र सरकार से अपनी कई मांगों को लेकर दिल्ली कूच करने पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP के बाद एक और नए मुद्दे पर कांग्रेस का साथ मिल गया है। आपको बता दें कि कई किसान संगठनों ने अपनी मांगों के समर्थन में 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया था। वहीं झारखंड कांग्रेस ने समर्थन करने का ऐलान भी कर दिया है। झारखंड कांग्रेस ने 16 फरवरी के भारत बंद का राज्य में पूर्ण समर्थन करने की भी घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा जारी दिशा निर्देश के आलोक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने राज्य के सभी जिला अध्यक्षों और प्रदेश पदाधिकारियों को निर्देश जारी कर अपने अपने जिलों में भारत बंद का समर्थन करने के लिए भी कह दिया है। राजेश ठाकुर ने निर्देश में कहा कि देश अराजकता के दौर से गुजर रहा है, जहां एक ओर किसान MSP के लिए कानूनी गारंटी की मांग को लेकर सड़कों पर हैं, वहीं दूसरी तरफ देश का युवा रोजगार के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि कानून लाकर कभी ट्रक ऑपरेटरों को तो कभी आम जनता को तो कभी छोटे व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। ठाकुर ने यह भी कह दिया कि देश के किसानों ने जो कदम उठाया है, कांग्रेस उसके साथ पूरी तरह से खड़ी है। अब देखना ये है कि किसानों का ये दिल्ली चलो आंदोलन किस मोड़ पे पहुंचता है और इसका अंजाम क्या होता है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।